नमस्कार, छत्तीसगढ़ राउंड अप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले राजधानी रायपुर का जिक्र, जहां पुलिस ने लूट समेत उठाईगिरी, ठगी और नशाखोरी के मामले का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इंडोर स्टेडियम के पास हुई लूट का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लूटी गई रकम को बरामद किया है। ज्वेलरी दुकान में उठाईगिरी के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, उसके पास से सोने के 4 चेन जब्त किए गए हैं। पुलिस ने 5 किलो गांजे के साथ गांजा तस्कर को भी गिरफ्तार किया, सभी को पुलिस ने पूछताछ के बाद जेल भेजा है। कोतवाली एरिया में एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें प्रार्थी ललित राउत जो कैटरिंग का काम करते हैं, वो कोतवाली एरिया से भाटा गांव बस स्टैंड जा रहे थे, तो जो इंडोर स्टेडियम है उसके पास 3 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार जो युवक थे, उन लोगों ने वहां पर उन्हें रोक कर उनके साथ मारपीट करके उनका मोबाइल फोन और पैसा लूट लिया था। इसमें धारा 394 का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है और उनसे लूटा हुआ लगभग 18,000 रुपये और मोबाइल फोन जब्त करके 29 तारीख को कोतवाली क्षेत्र में ही कंगना ज्वेलर्स में एक उठाईगिरी की घटना हुई थी, जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति उनके दुकान पर सोने की चैन लेने के लिए आया हुआ था और चैन देखने के दौरान ही लगभग 4 जो चैन है वहां से लेकर भाग गया था, जिस पर धारा 389 का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें कृष्ण मोहन पांडे जो है, जो कि बेसिकली जसपुर के रहने वाले हैं और अभी हाल में पुसौर रायगढ़ में रह रहे थे, उसकी गिरफ्तारी की गई है और उसे जो है चोरी किया हुआ जो चारों चैन है वो बरामद करके उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है। कुछ क्षेत्रों में शिकायतें मिली थी जहां पर गांजा बेचने की, तो वहां पर कल क्राइम ब्रांच की टीम को लगाया गया था और 4 थाना क्षेत्रों में हम लोगों ने कार्रवाई की है। इसमें लगभग 5.5 किलो गांजा मिला है और लगभग 100 नग टैबलेट जब्त किया गया है। एक कार्रवाई गोल बाजार क्षेत्र में हुई है, एक मंदिर रिसोर्ट में, एक टिकरा पारा में और एक पुरानी बस्ती क्षेत्र में कार्रवाई हुई है। तो इन चारों मामलों में 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके NDPS एक्ट के तहत उन्हें जेल भेजा गया। लगभग 5.5 किलो है चारों कार्रवाई में और 100 नग टैबलेट मिला है। इधर दुर्ग के पाटन ब्लॉक में मोतीपुर में एक दर्दनाक हादसे में पिता और उसकी मासूम बेटी की दर्दनाक मौत हो गई है। तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक से जा रहे एक परिवार को अपनी चपेट में ले लिया। घटना में बाइक में सवार 9 वर्षीय बच्ची और उसी के पिता की मौत हो गई, जबकि उसकी मां और एक बेटे की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। हादसे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी शोक प्रकट किया, साथ ही प्रत्येक मृतक के पीड़ित परिवार को 4,00,000 मुआवजे की घोषणा की। तो भीषण सड़क हादसा जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दुर्ग की पूरी घटना, एक पिता और पुत्री की मौत हो चुकी है जबकि एक मां और बेटे जो कि अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, इलाजरत हैं, लेकिन आर्थिक सहायता का ऐलान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से भी। हादसे की तस्वीरें आप देखिए, कितना दर्दनाक यह हादसा रहा होगा, तस्वीर के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। बाइक पूरी तरह से ट्रेलर के नीचे। दंतेवाड़ा में बीच सड़क पर चलते ट्रक में आग लगने से सनसनी फैल गई। ट्रक के ड्राइवर ने किसी तरह ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। बीच सड़क ट्रक पर आग लगने से सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। नकुलनार के पास ट्रक में आग लगने की जांच पुलिस भी कर रही है कि आखिर किस वजह से घटना सामने आई है। तस्वीरें आप देखिए दंतेवाड़ा की, अचानक से ट्रक में आग लग गई। ये तस्वीरें, इसमें ट्रक पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। चलते ट्रक में आग लगी थी, हालांकि राहत भरी बात यह है कि ड्राइवर सुरक्षित है, फौरन उसने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। छत्तीसगढ़ में लोग रील्स बनाने, वीडियो वायरल करने और मशहूर होने के लिए खतरनाक स्टंट करते नजर आ रहे हैं, जिन पर पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। ऐसा करने वालों को समझाइश भी दी जाती है। इसी बीच अंबिकापुर में भी एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें महज 6 साल का एक बच्चा कार चलाता नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देखिए, वीडियो में साफ दिख रहा है कि बच्चा कार चला रहा है और उस कार में आगे और पीछे सीट पर बाकी लोग भी बैठे हुए हैं। बच्चे के कार चलाने का ये वीडियो खूब वायरल तो हुआ, लेकिन खतरा बहुत बड़ा था, इसी वजह से पुलिस के संज्ञान में अब ये वीडियो आ चुका है। हो सकता है कि इस बच्चे तक पहुंचकर परिजनों को भी समझाइश दी जाए, कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन ये इस तरह से वायरल होने के लिए रील्स बनाना जान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, ये कहीं ना कहीं जरूर स्पष्ट होता है इस वीडियो से। कोरबा में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 5 लोगों की आज जान चली गई। सीएससीबी थाना क्षेत्र में मवेशी को बचाने के चक्कर में हाईवा और कार की टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई है।
पलारी थाना क्षेत्र में दो ट्रक आमने सामने भिड़ गए। हादसे में दोनों ट्रकों के ड्राइवर्स की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक के केबिन में दोनों ड्राइवर्स फंसे रहे, समय पर निकाला नहीं जा सका और इसी की वजह से दोनों की जान चली गई। एक दिन में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत से इस इलाके में भी हड़कंप की स्थिति है। हादसे से जुड़ी हुई दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दो बड़े सड़क हादसे, 5 लोगों की मौत हो चुकी है। रफ्तार का कहर दोनों ही घटनाओं में देखने को मिलता है। जगदलपुर के बड़े बोदल पंचायत में मूलभूत सुविधाओं की कमी से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। ग्रामीणों ने पंचायत में विकास कार्य में आए पैसे का गबन करने का आरोप सरपंच पर लगाया है। ग्रामीणों के मुताबिक 4 साल पहले विकास का काम शुरू हुआ, आज तक पूरा नहीं हो पाया है। गांव में सड़कें नहीं हैं, नल जल योजना का काम कागजों पर ही है। पंचायत में विकास की मांग को लेकर यहां के लोग मंत्री, विधायक, कलेक्टर के आवेदन दे चुके हैं, लेकिन इस पंचायत में विकास कार्य अभी भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। ये चाहते हैं कि हमारा पंचायत में थोड़ा गड़बड़ी हो रहा है साहब, क्योंकि बोलने से कोई काम ठीक से नहीं हो पा रहा है। जैसे ये दिखाई भी दे रहा है, आप देख रहे हो, आप आए हो, कम से कम काम भी तो पूरा होना चाहिए ना। अब पंचायत पड़ा हुआ है, अब जब ये रोड बनने का है, रोड नहीं बन रहा है, इसलिए हम लोग कार्रवाई करके आगे तक हम लोग भेजे हैं। यहाँ पे तो समस्या लगभग सभी स्तर पर है भैया, लेकिन उसमें काम स्टार्ट किया है पर उसमें पूरा नहीं हुआ है। इसलिए हमारा ग्रामवासियों का कहना है कि उसमें अच्छा से जांच हो कि कितना काम हुआ है, कितना काम नहीं हुआ है, इसमें हम लोग को थोड़ा शंका है। अभी आधा अधूरा है, तो मतलब कल परसों तो पूरा चालू ही हो जाएगा। अभी पूरा मैं खुद ही भीड़ की करता हूँ, ऐसा नहीं कि भाई दूसरे को टेकावरा नहीं देता, मैं खुद ही भीड़ के मतलब क्या बोलता हूँ, खुद ही करता हूँ मैं। और जो जो भी आधा अधूरा है, ये कोशिश करूंगा कि मैं जल्द से जल्द इस महीना के अंदर सबको कम्प्लीट करूँ। अंबिकापुर के कुट्रापारा के वार्ड संख्या 23 के एक दर्जन से ज्यादा घरों में एक पोस्टर चस्पा किए गए हैं। पोस्टर में चेतावनी दी गई है, पोस्टर में धमकी दी गई है कि हमसे अब आपको कौन बचाएगा, मैं Z2A हूं। बता दें कि कोई अज्ञात कई दिनों से परेशान यहां कर रहा है लोगों को। इसके बाद थाने पहुंचे लोग शिकायत पुलिस में की। इस वक्त हम कोतवाली थाना क्षेत्र के घुटरापारा में हैं और एक पोस्टर इस मोहल्ले में दहशत बना दिया है। ये पोस्टर हम दिखाना चाहेंगे, ये पोस्टर है, ये पोस्टर में लिखा हुआ है कि अब हमसे आप लोगों को कौन बचाएगा। और ये एक घर में ये पोस्टर नहीं चिपकाया गया है, पूरे मोहल्ले में ये पोस्टर चिपकाया गया है। हम यहाँ के स्थानीयों से बात करेंगे, कितना डर बना हुआ है, क्या लगता है? बहुत डर बना हुआ है, एक दिन छिटकिली लगा दिया, एक हफ्ता से ऐसे हो रहा है, और फिर पोस्टर चिपका दिया है कि हमसे कोई नहीं बचाएगा। बताइए कैसे कैसे होगा, हम लोग क्या करें, अब इसको बता सकते हैं आप लोग भाई? पहले क्या क्या किया था यहाँ पे, किस तरह? पहले सिटकिनी बंद किया था, एक दिन आके घर में सबका पूरा मोहल्ले का सिटकिनी बंद किया था, फिर एक दिन बीच करके दूसरे दिन आज पूरा घर में ये पोस्टर चिपकाया कि हमसे कौन बचाएगा, ऐसे करके। कितने घरों में चिपकाया है? कम से कम 15-20 घर है। मैं टोटल जोड़ ली हूँ, 22 घर है। 22 को पेपर भी है चिपका, 22 घर भी है। आप लोगों को पता नहीं चला कि कब चिपका? नहीं पता चला, पता करता तो मैं खुद देख लेते, पकड़ लेते उसको, ऐसा नहीं था कि नहीं पकड़ती, लेकिन हम लोग नींद गहराई नींद में थे, 1:30-2 बजे के लगभग हुआ है ये रात में। हाँ, अभी आप लोगों ने क्या किया है, कहीं शिकायत किया है? हाँ, शिकायत किए हैं, थाना में रिपोर्ट दिए हैं कि अगर कोई ऐसा बात होगा तो फिर थाना वाला बोला कि हम सपोर्ट करेंगे, साइन लिए हैं, उसको साइन लिया गया, बोला कि अगर पकड़ाएगा तो उसको मार के तुम लोग ला के थाना में जमा कर दोगे। कितना डर बना हुआ है? बहुत डर बना हुआ है, बहुत डर बना सहने में है, और सब बच्चे लोग डरे हुए हैं, और रात वाले हम लोग जेंट्स औरत सब हम लोग बाहर में बैठ के सुबह काटे हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो मोहल्ला वासी हैं वो काफी दहशत में हैं। हालांकि ये बता रहे हैं कि कोतवाली थाना क्षेत्र में इसकी शिकायत कर दी गई है, लेकिन जिस तरह से उस अज्ञात युवक की हरकतें हैं, इससे मोहल्ला वासी काफी परेशान हैं। श्रवण महंत, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, अंबिकापुर।
पेंड्रा में पेड़ों को बचाने के लिए अनोखी मुहिम चलाई जा रही है। कलेक्ट्रेट ऑफिस के पास बन रहे नए कंपोजिट भवन के लिए लगातार पेड़ काटे गए। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने पेड़ों को कफन उड़ाकर विरोध दर्ज कराया है। साथ ही बचे पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधकर उनको बचाने की अपील की गई है। साथ ही समाज सेवियों ने गुरुकुल की हरियाली को नहीं हटाने की अपील की है। अब तक 12 पेड़ यहां पर काटे जा चुके हैं। जगदलपुर शहर के दो अलग अलग इलाकों से रेस्क्यू टीम ने कोबरा सांप पकड़े हैं। धर्मपुरा बॉयज हॉस्टल में नाग निकलने की वजह से हड़कंप की स्थिति थी, वहीं दूसरी तरफ कोबरा सांप साकेत कॉलोनी में भी निकला। दोनों जगहों पर रेस्क्यू टीमें पहुंची और सांप को पकड़ा गया है। दोनों सांपों को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया गया है। बरसता के मौसम में रोजाना ही सांप निकलते हैं। आपको बताएं कि स्नेक रेस्क्यू की टीम सांपों का रोजाना ही अक्सर रेस्क्यू कर रही है आजकल, क्योंकि बारिश का मौसम और अक्सर इस तरह की घटनाएं अब सामने आ रही हैं। बलरामपुर में अलग अलग थाना क्षेत्रों से वाहन चोरी के मामले सामने आए हैं, जिस पर पुलिस द्वारा एक्शन लिया गया है। घेराबंदी करते हुए कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इस दौरान चोरों के द्वारा नाके में तैनात पुलिसकर्मियों को ठोकर मार दी गई, जिससे पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। चोर स्कॉर्पियो वाहन को रामानुजगंज नाका के पास छोड़कर मौके से तो फरार हो गए। भागते वक्त बुलेरो वाहन गली में जाकर पेड़ से टकरा गई। इसके बाद पुलिस ने मौके से बुलेरो वाहन को जब्त कर लिया। आरोपी की तलाश जारी है। पतासाजी की जा रही है और एक जो सूचना मिली है कि जो स्कॉर्पियो वाहन थी वो थाना राजपुर के अंतर्गत चोरी की गई थी। दूसरी जो बुलेरो वाहन जो हमारे थाना रामानुजगंज में स्थित ताता पानी की है, जिसको भी अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर ले जाया जा रहा था। और बलौदा बाजार से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक नाबालिग बच्चे के साथ 50 साल के अधेड़ ने गलत काम करने का प्रयास किया है। इस बारे में जब बच्चे ने अपने पिता को जानकारी दी तो पिता ने पुलिस में इस बारे में शिकायत की है। मामले में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए महज 12 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार किया। तब उसके बाद फिर जो है उसकी रिपोर्ट पर दिनांक 1/7/2023 को पुलिस द्वारा अपराध पंजीकृत कर आरोपी वेदराम पिता छोटूलाल पैखरा 50 वर्ष साकिन रजडोल को पकड़कर अपराध धारा 370 511 506 ITC 418 पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है और उसे रिमांड पर न्यायालय रवाना किया है। इधर सूरजपुर के लाचा गांव में टिल्लू पंप से नहाने के दौरान एक महिला की करंट की चपेट में आने से जान चली गई। दरअसल लाचा गांव की महिला अपने घर में टिल्लू पंप लगाए हुए थी और उसे नहाने की कोशिश कर रही थी और इसी दौरान पानी में करंट फैल गया। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। कोतवाली पुलिस लगातार इस मामले की जांच में जुटी हुई है। बात अंबिकापुर की करेंगे, जहां विद्यामतान राज्य अतिथि शिक्षक कल्याण संघ द्वारा प्रदर्शन किया गया है। दो सूत्रीय मांगों को लेकर संघ ने गांधी चौक से लेकर संगम चौक तक रैली निकाली। इस दौरान विद्यामितानों ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है, SDM को ज्ञापन सौंपा है और मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी। ये उम्मीद है और बाबा जी से भी पूरा उम्मीद कर था। मैं यहाँ डिप्टी CM बन चुके हैं तो ये उम्मीद है कि घोषणा पत्र वही बनाए रही से तो उम्मीद होकर से कि हमला कुछ न कुछ सौगात दे के जरूर जाए और अगर सौगात दी ही तो आने वाला चुनाव में हमन होकर पूरा साथ दे। वो अभी जत का भी उपचुनाव हो है ओमा में पूरा साथ दे सरकार के साथ में, तो ये भी उम्मीद है कि आगे सरकार हमर भी साथ दी ही।
बस एक ही मांग है कि हमारे नियमितीकरण कर दे बस। मांग अगर पूरा नहीं हुई तो फिर हमारे सरकार के विरोध भी करे पर जानते हैं। जो विरोध है आज हमारा वो दो अंग बोनस के विरोध में है, क्योंकि जो नियमित शिक्षक की भर्ती हुई है उसमें हमारे शिक्षा सचिव महोदय ने हमें दो अंग बोनस दे करके लॉलीपॉप दिया है, जिसका हम घोर विरोध करते हैं। यह कहीं ना कहीं सरकार की कहीं ना कहीं चाल है जिसमें शिक्षा सचिव का अहम योगदान है। ये इसी के विरोध में आज हम सरगुजा, यह पूरे छत्तीसगढ़ के पूरे संभागों में होना है, और यह जो है ये सरगुजा संभाग से स्टार्ट आज 2 जुलाई को हुआ है, 7-8 जुलाई को बस्तर संभाग में है, वैसे ही माडा पैकेट में भी होने हैं। और अंबिकापुर के एक शिक्षक का वीडियो आज काफी वायरल हो रहा है। यहां पर एक शिक्षक पानी की टंकी पर चढ़कर नौटंकी करते हुए नजर आया। वीडियो सरगुजा जिले के ग्राम पंचायत उदयपुर का है, जहां पर शराबी शिक्षक टल्ली होकर टंकी पर हाई वोल्टेज ड्रामा करता रहा। स्थानीय ग्रामीणों ने शराबी शिक्षक को समझा बुझाकर किसी तरह से पानी की टंकी से नीचे उतारा, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, उससे पहले शिक्षक घंटों ड्रामा करता रहा। राजधानी रायपुर में प्रोडक्ट्स के नाम पर ठगी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय नाइजीरियन ठग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरे देश में ठगी को अंजाम देने वाले ठगों ने फिर प्रोडक्ट्स देने के एवज में रकम जमा करा ली थी, और नाइजीरियन ठग वॉल्टर लुइस को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। देवांगन, उन्होंने थाना विधानसभा में जाकर एक रिपोर्ट दर्ज कराया था कि एक प्रोडक्ट सप्लाई के नाम पर उनसे लगभग 20 लाख रुपए की ठगी हुई है, और उनकी बातचीत स्टार्टिंग में किसी फॉरेन के नंबर से होती थी, बाद में जो है इंडियन नंबर से भी उसके पास अलग अलग नाम से कॉल आया, और उन लोगों ने कस्टम, इनकम टैक्स, इन सब लोगों का टैक्स पटाने के नाम पर उससे लगभग 20 लाख रुपये अलग अलग खातों में डिपॉजिट करा लिए थे। घटना प्रथम दृष्टया जो है नाइजीरियन फ्रॉड की प्रतीत हो रही थी, तो इसमें पूरी जानकारी निकालने के बाद एक टीम जो है दिल्ली रवाना की गई थी, और दिल्ली पर टीम लगभग 3 दिनों तक कैंप करते हुए एक नाइजीरियन व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। राजधानी रायपुर में एक छात्र ने ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाया। आरोपी दुकान में गहने देखने के बहाने घुसा और इसी दौरान उसने चोरी की घटना को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने छात्र आरोपी को फौरन गिरफ्तार कर लिया। राजनांदगांव में 3 दिनों से हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा रखी हैं। नदी नालों के साथ ही जलाशयों में भी पानी का लेवल बढ़ने लगा है। शिवनाथ नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। शिवनाथ नदी के किनारे बसे गांव को अलर्ट कर दिया गया है। जिला प्रशासन भी अब अलर्ट मोड पर है। लोगों को हिदायत दी गई है कि नदी किनारे बाड़ी और खेतों में ना जाएं। जिले में कुछ दिन पूर्व हुए 3 दिनों की बारिश ने नदी और नाले का जल स्तर बढ़ा दिया है। मोगरा बैराज से छोड़े गए पानी के कारण शिवनाथ नदी का जल स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। जिला प्रशासन ने शिवनाथ नदी के किनारे बसे गांव में अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को सावधानी पूर्वक रहने की हिदायत दी गई है, और कुछ दिनों तक मौसम इसी तरीके से साफ रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके बाद भी अगर बारिश होती है तो शिवनाथ नदी किनारे बसे गाँव में दिक्कत हो सकती है। राकेश यादव, News18, राजनांदगांव। और अब खबर सूरजपुर से है, जहां बारिश के मौसम में ग्रामीणों को बिजली कुल की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मानसून से पहले मेंटेनेंस के नाम पर घंटों विद्युत कटौती की गई, लेकिन बीते एक सप्ताह से शुरू हुई बारिश में क्षतिग्रस्त विद्युत पोल और जर्जर ट्रांसफार्मर्स के कारण कई गांवों में ब्लैकआउट जैसे हालात बने हुए हैं। ऐसे में परेशान ग्रामीण आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। कवर्धा में बढ़ते सब्जी के दाम से लोगों की रसोई का बजट बिगड़ गया है। बात टमाटर की अगर करें तो रंग के साथ टमाटर के दाम भी लाल हो गए। बाजार में टमाटर 100 से 120 रुपए किलो में बिक रहा है। लोगों के टमाटर खरीदारी पर अब इससे बड़ा असर पड़ता है। और अब ग्वालियर की खबर पर चर्चा करेंगे, जहां प्रसिद्ध कथावाचक जयकिशोरी ने प्रेस से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने यूसीसी का समर्थन करते हुए इसे कानूनी दायरे में होने की जरूरत बताई। कहा कि जो भी काम देश के हित में है अच्छा है, शांति से हो वो जरूर करना चाहिए। देश के हित में हो, अच्छा हो, शांति से हो, और वो जरूर करना चाहिए जो देश के हित में हो और देश के लिए लोगों को आगे बढ़ाए। आई थिंक दैट्स इट। मुझे बहुत खुशी है अगर सनातन धर्म आगे बढ़ेगा सनातन होने के नाते, लेकिन जो भी हो वो कानून के दायरे में रहकर हो तो बहुत अच्छी बात। धर्म के साथ राजधर्म की जो सीख है वो लेकर आप राजनीति करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ राजनीति गलत नहीं है अगर कृष्ण सी करी जाए तो, क्योंकि पूरे महाभारत में कृष्ण जी ने राजनीति करी है और कुछ नहीं करा, तो आप कृष्ण सी राजनीति करिए तो युद्ध जीत जाएंगे, दुर्योधन सी करेंगे तो आगे।
पकरिया गांव में पीएम ने फुटबॉल खिलाड़ियों, स्वसहायता समूहों, लखपति दीदियों सहित जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधियों से भी संवाद किया। पीएम ने उनके संघर्ष की कहानी भी सुनी। लोगों ने पीएम को यह भी बताया कि जैविक खेती उनके जीवन में किस तरह से बदलाव ला रही है। मित्र ने जैविक खेती को बढ़ावा दिया। हम लोग, हमारे गाँव के लोगों ने, हमारे साथ सदस्य बैठे हुए हैं, हम सभी ने निर्णय लिया कि हम लोगों को रासायनिक खाद कम से उपयोग करना है। जैविक खाद, मटका खाद, पांच पत्ती खाद और पांच पत्ती और हमारा ये कांडा पानी। तो बहुत पुरानी पद्धति है, लोग छोड़ दिए थे जी। लेकिन अब इस समय जब से होड़ से क्या हुआ कि लोगों को लगा कि भाई हमको इसको अपनाएंगे, दो पैसे हमको बचेगी। यहाँ तो मेरा ग्राम पंचायत में एक ही अमृत सरोवर बना है। मानव बना जी कि कितना बड़ा बना होगा, लोग इकट्ठे होते हैं क्या? अरे अरे मस्त मानव, क्या कह रहे हैं, ऐसा लगा तो गार्डन आए, इतनी सुंदर चिड़िया चक्की, मतलब गार्डन तो बुढ़ार सेटोल के हमारे लोग सब वहाँ घूमने फिरने जाते हैं। मानव इतनी सुंदर बनी है मान ली। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दुर्ग जिले के दौरे पर थे। वहां पर उन्होंने छेरिया यादव समाज के सामाजिक सम्मेलन में शिरकत की। समाज के लोगों ने पारंपरिक तरीके से सीएम का स्वागत किया और मुख्यमंत्री के साथ चंद्रपुर के विधायक राम कुमार यादव भी सम्मिलित नजर आए। समाज को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास में यादव समाज का महत्वपूर्ण योगदान है। यादव समाज पीढ़ी दर पीढ़ी गौ सेवा करते आ रहा है और गौ सेवा के रूप में समाज की देशभर में विशिष्ट पहचान है। मुख्यमंत्री यादव जी, हमारे जिला अध्यक्ष श्री ठाकुर राम यादव जी, श्री रामलाल यादव जी, श्री प्रीतम। और 25 सेकंड में खबर।